हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में बातें कर रहे थे, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं, कैसे क्या इनका नाम क्लेचर, कैसे हम लोग पहचानते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शियरी है, तो हम लोग ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, हम लोग ये जान चुके हैं। तो उसी के बारे में हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कैसे कौन सा टर्शियरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन पे देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन स्क्रीन पे। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा हमने इसलिए लिया है कि ताकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हम लोग आसानी से इजी वे में एक सीख सके। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सिर्फ कार्बन की चेन लिया है। आप जान सकते हैं कि कार्बन की जो भी वैलेंसी बची हुई है, जैसे एक कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये तीन वैलेंसी बची हुई है, तो उसकी तीनों वैलेंसी किससे जुड़ी होगी, हाइड्रोजन से। ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्राइमरी कार्बन को, पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कहते हैं, और टर्शियरी कार्बन को 3 डिग्री कहते हैं, और क्वार्टरनरी कार्बन को जो 4 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग डिग्री के रूप में ही ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे छोटा छोटा। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग यही सीखने वाले हैं। आइए सीखते हैं प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सामने देख रहे होंगे जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ वही प्राइमरी कार्बन होगा। ठीक है, ये कार्बन देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ और कहीं है, तीन वैलेंसी इसके हाइड्रोजन से, ये अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला आपका प्राइमरी 1 डिग्री। लास्ट वाला ये देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री। हमें यही काउंट करना है कितने 1 डिग्री है, कितने 2 डिग्री, कितने 3 डिग्री, कितने 4 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 1 डिग्री। ये देखिए 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके आगे और कुछ आगे पीछे कुछ नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री। ये भी देखिए 1 डिग्री है, ये भी देखिए 1 डिग्री आ रहा है आपका। आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो ये देखिए 1 डिग्री है। ये भी कार्बन देखिए एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ, और कहीं कार्बन नजर आ रहा है, नहीं ना, कोई कार्बन नहीं नजर आ रहा है। तो ये देखिए ये भी 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन से। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ना कि कार्बन से। यहाँ पे मतलब ये कार्बन से ही, ये कार्बन ओनली 1 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री। ये आपको ध्यान देने वाली दोस्तों है बात। ठीक है दोस्तों, तो ये 1 डिग्री कार्बन हमारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 डिग्री कितने हो गए आपके, 7 कार्बन हो गए आपके 1 डिग्री। आइए देखते हैं 2 डिग्री कितने हैं। ठीक है, 2 डिग्री के लिए मैं ब्लैक पेन इस्तेमाल कर लेता हूं। ये देखिए 2 डिग्री हमें देखना है, जो एक कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब एक कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ होना चाहिए 2 डिग्री होने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 डिग्री देख लेंगे। ये तो 2 डिग्री है नहीं, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और देखते हैं 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये 2 डिग्री नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ये 2 डिग्री आपको नजर आ रहा है। ये देखिए हो गया आपका 2 डिग्री। ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, ये भी आपका हो गया 2 डिग्री। ठीक है, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, दो हुए 2 डिग्री। और देखते हैं, ये देखिए आपका 1 कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, 2 डिग्री हो गया आपका, हुआ ना 2 डिग्री कार्बन हो गया ना आपका। तो और देखते हैं, एक और भी होगा, ध्यान देते हैं कहीं और भी होगा, और कहीं पे नजर आ रहा है आपको, आप ध्यान से देखते रहिए कहीं और पे आपको नजर आ रहा है क्या। ये रहा कार्बन, ये देखिए एक कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इधर, 2 कार्बन से बगल में ही है, सटे हुए मिल नहीं रहे थे। तो कितने हो गए आपके सेकेंडरी कार्बन हो गए आपके 1 2 3 एंड 4। ठीक है, कितने हो गए आपके टोटल, 4 हो गए आपके ये सेकेंडरी कार्बन। आइए देख लेते हैं हम लोग टर्शियरी कार्बन कितने हैं। ठीक है, टर्शियरी कार्बन अब जो बचे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये नहीं है कि जो बचे हुए हैं, आप इसमें भी देखने का जो 3 कार्बन से जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे ये कार्बन आप देखिए, इस कार्बन A1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है ना, 3 डिग्री कार्बन हो गया ये। ठीक है, और देखते हैं, और यहाँ पे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कोई नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हमको, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ ये वाला नजर आ रहा है, 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन हो गया। और देख लेते हैं, 3 डिग्री में और कोई है, ध्यान से देखते रहिएगा 3 डिग्री में और कहीं पे है कि नहीं है। हाँ, यही तो ध्यान देने वाली बात है इसमें कि 3 डिग्री कार्बन कितने हो सकते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान से देखते रहिए, 3 डिग्री कार्बन और भी कहीं होगा जरूर। ये देखिए 3 डिग्री कार्बन आपको एक और मिल गया, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया तब का 3 डिग्री। और चौथी वैलेंसी कहाँ गई, हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, ये भी आपका 3 डिग्री हो गया। तो हम लोग और कहीं 3 डिग्री नजर आ रहा है आपको, एक नजर देख लीजिए, नहीं ना, तो आइए 3 डिग्री कार्बन कितने हो गए आपके पास,
थ्री डिग्री कार्बन हो गए आपके पास थ्री, सॉरी थ्री डिग्री कार्बन कितने हो गए थ्री, ठीक है तीन डिग्री कार्बन हो गए आपके तीन। अब आप देखते हैं क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी देखने के लिए फिर से हम लोग एक बार देखते हैं क्वाटरनरी, एक बार ध्यान देने जो चार जिसकी चारों वैलेंसी कार्बन से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता तीन कार्बन से, और कहीं नजर आ रहा है ये देखिए एक कार्बन है, एक ही कार्बन नजर आ रहा है हमें, ये कार्बन जो है यही नजर आ रहा है एक कार्बन से, ये दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ यही एक नजर आ रहा है, फोर डिग्री कार्बन या क्वाटरनरी कार्बन इसी को हम लोग बोल सकते हैं और बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी और क्वाटरनरी कार्बन हम लोगों ने निकाल लिए हैं, ठीक है फाइंड आउट कर लिया है, तो चार डिग्री कार्बन भी हम लोग लिख ही देते हैं, फोर डिग्री कार्बन जो है आपके वो कितने हैं वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन डिग्री कार्बन कितने हैं सात, टू डिग्री कार्बन कितने हैं फोर, थ्री डिग्री कार्बन कितने हैं थ्री, और फोर डिग्री कितने हैं चार, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं फाइंड आउट करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट्स के साथ आईपीएससी नॉमिनेशन क्लियर करने के लिए, ठीक है इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।